अल्लाह फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और खुश पास होंगे तो आज के व्लॉग का आपने टाइटल पढ़ लिया होगा विलेज व्लॉग है तो हम जा रहे हैं एक गाँव की शादी में चकवाल साइड पे जा रहे हैं तो वहाँ पे शादी अटेंड करने जा रहे हैं बारात थी आज बारात वली माँ थे एक ही दिन पे तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आ जाए तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा तो एक्चुअली ये मेरा सेकेंड एक्सपीरियंस है गाँव की शादी अटेंड करने का तो Uh, बहुत अच्छा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत अच्छा रहा आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी तो ये हम सवा नौ बजे सुबह सुबह ही निकल आए थे क्योंकि शादी दिन की थी दिन को बारात थी और दिन को ही हमने वापस आ जाना था घर तो दो घंटे का सफ़र था और हम निकल चुके थे सवा नौ बजे और रास्ते में जो मेरे बेबी ने तंग किया ना मैं बता नहीं सकती बहुत ज़्यादा क्योंकि इसको खुला घूमने की आदत है इसको एक जगह मतलब लाइक टिक के बैठने की बिल्कुल भी आदत नहीं है ये कहता है कि बस मुझे आप लोग अकेला छोड़ दो मैं फिरता रहूँ जहाँ मर्जी भागूँ तो बस हम जा रहे थे और कभी अपनी दादों के पास जा रहा था कभी मेरे पास आ रहा था कभी दादों के पास जा रहा था कभी मेरे पास आ रहा था तो ऐसे करते करते पूरा टाइम गुजरा है और एक्चुअली इसको जो ना नींद का बहुत ज़्यादा इशू रहता है बस अकेले में रूम में खामोशी में इसको सोना होता है और यहाँ पर नींद भी आई हुई थी लेकिन सो नहीं पा रहा था तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बेचैन हो रहा है और बस हम तकरीबन हमें डेढ़ दो घंटे होने ही वाले हैं हम जब से निकले हुए हैं और इन बस कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं वहाँ पे जाके आप लोगों के साथ सारा जो भी सीन था वो शेयर करूँगी और बहुत मुझे एक्चुअली सिर्फ मैं और हस्बैंड हो तो फिर तो मैं मुझे लॉन्ग ड्राइव बहुत ज़्यादा पसंद है कहीं दूर जाना बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन जब आ, आ, कोई और भी हो फैमिली मेम्बर्स या इस तरह फिर आपको रिज़र्व होकर रहना पड़ता है और आप बस चुपचाप बैठे हुए होते ज़्यादा बातचीत भी नहीं होती लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अगर कहीं सफ़र पर जाऊँ तो यार मुझे कोई ऐसा बंदा होना चाहिए मेरे साथ जो मुझे एंटरटेन कर सके जो मेरे साथ बातशात करे गपशप करे जो जिससे मेरा ध्यान इधर उधर लगा रहे अदरवाइज़ मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है खैर फैमिली के साथ ओब्वियसली ये मैं नहीं कह रही कि फैमिली ना हो साथ लेकिन मैं वैसे अपना बता रही हूँ कि मैं अलग अपने हस्बैंड के अलावा किसी फैमिली के साथ मुझे ज़्यादा दूर जगह पे जाना बिल्कुल भी नहीं पसंद अब लेकिन ऑब्वियसली फैमिली है तो साथ जाना तो पड़ता ही है तो ये आप देख सकते हैं बस हम तकरीबन यहाँ पे चकवाल में एक छोटा सा गांव है और उस गांव का नाम पता नहीं कौन सा सेट्टी पता नहीं, ना नाम भी मुझे एक्चुअली में याद नहीं रहते लेकिन ये चकवाल की साइड पे एक बीच में ही कोई छोटा सा गांव था उधर हम आए थे तो बस ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा गांव था और मज़े मज़े के खेत थे और बस यहाँ पे हम ये जो छोटा सा आगे पुल आने वाला पुल के बाद जो है ना पंद्रह मिनट का रास्ता रह जाता है तो एक्चुअली जब होता है क्या है ना कि आप जब निकलते हो और आपको पता चलता है कि यार दस मिनट का रास्ता रह गया बीस मिनट का रास्ता रह गया और वही जब बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए ना तो बड़ा ही दिल दुखता है तो जैसे आपको नज़र आ रहा होगा कि बस फाइनली हम जो है ना आ, शादी घर पहुंच के घर पहुँच गए थे आपको दूर से टेंट नज़र आ रहा होगा और जब मैंने टेंट देखा आ मुझे दिल को सुकून मिला कि यार फाइनली हम पहुंच ही गए अल्हम्दुलिल्लाह और पहुंचने के साथ ही बस हम जैसे ही वहां पहुंचे तो बारात रात बिल्कुल रेडी थी गाड़ियां खड़ी थी दोहो की एक्चुअली दो दूल्हे दो लड़कों की शादी थी तो बस हम जैसे ही पहुंचे तो वहां पे बारात बिल्कुल रेडी थी जी आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि काफ़ी भंगड़े शंगड़े डाले हुए थे इन्होंने पंजाबी लोग थे ये और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हमने बस जैसे ही हम पहुँचे उनके घर बारात मतलब बाराती बारातियों के घर नहीं जिनकी शादी थी जिनकी शादी थी उनके घर जैसे ही हम पहुंचे तो बस बारात बिल्कुल रेडी थी और हम बारात लेके फ़ौर निकल गए थे और थैंक गॉड हम टाइम पे पहुंचे थे एक्चुअली मुझे तो बिल्कुल ही वो नहीं था कि मैं बारात के साथ जाऊं बट ये शादी पर आए थे क्योंकि सफ़र जितना मैंने आ, बस जैसे ही पहुंचे दोबारा हम गाड़ी में बैठ के फिर से दस पंद्रह बीस मिनट के लिए सफ़र पर निकल गए तो इसलिए मुझे थोड़ा सा हो रहा था और एक्चुअली खाना जो था ना बहुत ज़्यादा लेट लगा था लाइक बहुत ही ज़्यादा मुझे लगा था गाँव की शादी है दस ग्यारह बारह बजे एक्चुअली में आ, शादियों में जो गाँव की शादियों में खाना रेडी हो जाता है बट यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं था क्योंकि सटी तीन से हाँ साढ़े तीन बजे खाना स्टार्ट हुआ था और आ, मेरे तो पेट में ना चूहे दौड़ थे क्योंकि हम सुबह पौने पता नहीं सुबह की जागे हुए थे और पौने नौ बजे हमने नाश्ता किया हुआ था और सुबह नौ बजे हम निकल गए थे तो लाइक ना पूछिए बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी तो खैर फ़ाइनली फाइनली, फाइनली साढ़े तीन बजे खाना हमें आ, मिल गया और खाना खुल गया था तो खाने में जो थी आप देख सकते हैं आ, बीफ पुलाव था सॉरी बीफ पुलाव नहीं बीफ कढ़ाई थी आ, चिकन पुलाव था और जो है चिकन टिक्के थे और साथ में सैलेड वगैरह और आ, मीठे में जो था हलवा था तो यस बड़ा ही मज़ा आया था जब आपको और चपातियाँ भी थी यस तो भूख के टाइम में जब आपको कुछ भी मिल जाए ना लाइक एनीथिंग आपको ना बस बहुत ज़्यादा मज़ा आता है उस चीज़ का तो वो फाइनली बस हमारा ये लास्ट वो खाने का ही था और काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय भी किया था बस ज़्यादातर हमारा टाइम बस आने जाने में ही लगा और कोई सीन नहीं था तो फाइनली ये हमारा जो गांव का एक्सपीरियंस था काफ़ी अच्छा रहा बस ये बहुत बुरा हुआ था कि खाना बहुत ज़्यादा लेट खुला था और फिर यहाँ पे ये सिस्टम होता है कि पहले मर्द खाते हैं एक साइड पे फिर बाद में उसके बाद औरतें खाना शुरू करती हैं तो ये सीन ज़रा गड़बड़ हो जाती है क्योंकि एक दफ़ा में सबको नहीं मिल सकता क्योंकि अलग अलग सेपरेट जगह बनाई हुई थी सो तो अच्छा था एक्सपीरियंस और आप लोगों के गांव कौन कौन से हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और गांव में आप लोगों के क्या रिवाज होते हैं तो ज़रूर कमेंट में मेरे साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप गांव में नहीं और कभी जाते हैं और आप लोग का एक्सपीरियंस वहाँ पे कैसा रहता है लेकिन ये वाला सेकंड एक्सपीरियंस जो मेरा था ना वो इतना ख़ास नहीं था लाइक like, uh, हंड्रेड में से बस फोर्टी फ़िफ्टी परसेंट ठीक था बाकी इससे पहले मैं मुल्तान गई थी वो एक्सपीरियंस मेरा बेहतरीन था तो आप लोग भी ज़रूर शेयर कीजिएगा अपना एक्सपीरियंस अब चाहूँगे आप लोगों से इजाज़त दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफ